कोशिशों के बावजूद पीटीआई और इस्टब्लिशमेंट के दरमियान कोई रहा नहीं हो सका सदर आरिफ अलवी अब क्या करने वाले हैं क्या सियासी जमातों और इस्टैब्लिशमेंट के दरमियान डायलॉग अंसार अब्बासी की तहल का खैज रिपोर्ट पी टी आई के कुछ रहनुमाओं ने सदर आरिफ अलवी से रबता करके उन्हें सियासी जमातों बशमूल पी टी आई और इस्टबलिशमेंट के दरमियान मुजाकर कराने की दरख्वास्त की है पी टी आई के जराय का कहना है कि सदर अलवी उसूलन इस बात पर इतफाक़ करते हैं लेकिन यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो ऐसा करेंगे या नहीं नौ मई के वक के बाद जिन हालात का सामना पीटीआई को करना पड़ा है उसकी वजह से पार्टी के अंदर बहुत ही ज्यादा मायूसी पाई जाती है तहम पार्टी को आम सियासत में दोबारा वापसी का मौका नहीं मिल रहा पीटीआई के कुछ रहनुमाओं के साथ पसे मंजर में होने वाली बातचीत से मालूम होता है कि नौ मई के हवाले से पीटीआई की तयशुदा पॉलिसी चाहे कुछ भी हो लेकिन पार्टी रहनुमा उस दिन पेश आने वाले वाकत और पार्टी की जानब से इमरान खान की गिरफ्तारी पर दिखाए गए रद्द पर अफसोस का इजहार करते हैं पीटीआई के एक जरिए का कहना था कि काश ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता नौ मई के वाकयात ने पार्टी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है पार्टी की नुमाइंदगी के लिए अब भी टीवी चैनल्स पर नजर आने वाले पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने इस बात की तस्दीक की है कि हाल ही में उन्होंने सदर आरिफ अलवी से रब्ता करके दरख्वास्त की है की पी समेत सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डायलॉग कराया जाए उन्होंने कहा कि सदर अलवी असूली तौर पर इस बात से इत्फाक़ करते हैं लेकिन अली मोहम्मद ख़ान को यकीन नहीं कि सदर अलवी ये कदम उठाएंगे या नहीं आजाद मुबसरीन का कहना है कि अगर सदर ने यह कदम उठाया तो मुमकिन है उन्हें सियासी जमातों यानी बिलखसूस पी टी आई की मुखालिफ जमातों और इस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मस्बत जवाब ना मिले हफ्तों पहले इमरान खान ने अपने एक वकील के जरिए अटक जेल से सियासी जमातों और इस्टैब्लिशमेंट के दरमियान डायलॉग की पेशकश का पैगाम भेजा था लेकिन उन्हें किसी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिला पी टी आई की सेक्रेटरी तलाद रऊफ हसन ने राबता करने पर कहा है की पी टी आई समेत सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुजाती अमल शुरू करने का का कोई नई बात नहीं है उन्होंने इस बात की तस्दीक तरदीद नहीं की कि सदर अलवी पी टी आई की जानब ऐसी बातचीत की दरख्वास्त के बाद डायलॉग शुरू कराएंगे या नहीं लेकिन उनका कहना था कि वो सदर अलवी से मुलाकातें करते रहे हैं और एक या दो दिन में उनसे दोबारा मुलाकात हो सकती है उन्होंने याद दिलाया कि ये इमरान खान थे जिन्होंने खुद सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का कहा था जब उनसे पूछा गया कि क्या ये दुरुस्त है कि पीटीआई के रहनुमा अब 9 मई को होने वाले वाकयात तो पर पछता रहे हैं तो राउफ ने कहा कि सबसे पहले 9 मई के हवाले से पीटीआई की पॉलिसी ये है कि मामले की तहकीक़त एक आज़ाद जुडिशल कमीशन से कराई जाए ताकि जिम्मेदारों को सजा दी जा सके उन्होंने कहा कि हम सब पाकिस्तान से प्यार करते हैं और कोई भी पाकिस्तान को किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाना नहीं चाहेगा उन्होंने कहा कि नौ मई को जो कुछ हुआ, उसने उन्हें भी तकलीफ दी है पीटीआई के सेक्रेटरी तलात ने कहा कि जब से उन्होंने अपनी मौजूदा जिम्मेदारी संभाली है उन्होंने वाजे किया है कि पीटीआई एक सियासी जमात है जो कानून और आयन की हदूद में रहकर सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखती है इसी दौरान पार्टी सराय ने इस नुमाइंदे को बताया कि उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद पीटीआई और इस्टबलिशमेंट के दरमियान कोई रबता नहीं हो सका इमरान खान समेत पी टी आई शिद्दत से इस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने इख्तलाफा दूर करना चाहती है लेकिन नौ मई के वाक़ ने तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल को संगीन बना दिया है अब तक के लिए इतना ही मज़द मालूमत के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए